मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शारदा के दर्शन किए। इसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठने वाले थे वो नहीं बैठेंगे, उन सभी कर्मचारियों से बात की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश को बिजली में सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने वाला राज्य भी कहा और कहा कि सब्सिडी देने के बावजूद भी बिजली दर में बढ़त अन्य राज्यों से ज़्यादा है। मेरी कर्मचारी यूनियन के साथ मेरी वार्ता है, हमारे प्रमुख सचिव ने की है और मुझे विश्वास है कि उनकी जो यूनियन बात है उन पर हम लोग विचार करेंगे और कर्मचारी देश की जनता के हित में हड़ताल पे नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चाहे आउटसोर्स के कर्मचारी हों, चाहे हमारे संविदा के हों या नियमित हों, हमारे लिए निश्चित रूप से वो अपने आप को रिस्क लेकर के लोगों को विद्युत प्रदाय करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, हम उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है और हम पूरा करने की कोशिश करते हैं।